अब सब पर है नजर हमारी है। महिला काफी आकर्षित नजर आ रही है। मैं एक महिला से बात करना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? गंगा रथी। क्या दिक्कत परेशानी क्या? परेशानी बेटे के हमारे 5-10 हजार रूपए ले लो बदन हुआ तो हमारी के हुआ तो कॉलोनी के 5 हजार रूपए धर्मेंद्र 10 वर्ष गई 5 हजार मास्टर के लड़का क्या कह रहे हैं लोग, कहना क्या चाहते हैं? पैसा हम ले कॉलोनी ना मिली। मतलब पैसा किस लिए लिए थे? हमारा चल हम ही चल किस लिए लिए थे? कॉलोनी के लिए। कॉलोनी हुआ ना। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बोले आई। आपका क्या नाम है? हमारा शिव कुमारी। क्या दिक्कत क्या है? हम 12 हजार रूपए घर में दर के वृद्धा पेंशन 4 महीना रुकल बा। वृद्धा पेंशन के लिए पैसा दे है? नहीं कॉलोनी के कॉलोनी कॉलोनी के लिए। कॉलोनी हुआ ना? नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? कुमारी कुमार। क्या दिक्कत क्या है? पंचायत पंच के पैसा नहीं हमार मिलल दुलारी के दुलारी के पैसा साल भर हो गई 5 में जीतल बड़ी विक्रमा नाव नहीं देवे थी ओकर पैसा ना आई। दिक्कत क्या है? बताइए परेशानियों को। परेशानी यही है कि हम लोग योजना चयन कर अपने वार्ड से देते हैं, हम लोग को पता नहीं होता कि कौन योजना हुआ कौन योजना नहीं हुआ। मनमानी होती है अपने स्तर से। मुखिया जी लोग काम करते हैं, हमारे संवेदक जी करते हैं जो सचिव के रूप में है, और हमारे मुखिया जी अपने मन से ही करते हैं। हम लोग को पता नहीं है, हम लोग अपने वार्ड के करता धरता देखता रहता है, तो हम लोग ने बताएंगे कौन गली का जरूरत है कौन नली का जरूरत है कौन कुआं कर सकता है, मुखिया जी जान जाएंगे। नहीं सही बात है क्या? मतलब कोई भी काम होता है सरकार के काम आती है तो मुखिया अपने मन से करते हैं? नहीं हम लोग पता है कि कौन योजना लोड हुआ कौन योजना नहीं लोड हुआ। आवाज साहब क्या दोष है? आवाज साहब जानते हैं किसी से पैसा मांगे हैं? हम ही मांगते हैं उसे नहीं। आज इस आम सभा का लोग इस तरह से हल्ला गुला कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। आप वार्ड हैं, कौन सा वार्ड सदस्य हैं, कौन सा नंबर? 13 वार्ड से हैं। मेरा नाम शेषनाथ तिवारी हुआ है। हम आम सभा को बहिष्कार नहीं करते हैं, अपना बात रखते हैं। लेकिन इस तरह से हल्ला हो रहा है, आप इसके बारे में क्या? क्वेश्चन हो रहा है, हम लोग पूछेंगे। हमारा आम सभा के विषय में आम सभा का क्या महत्व है? आम सभा क्यों बुलाया गया? आम सभा में बताना मुखिया जी का काम है, हमारे सचिव साहब का बताना है कि वो मतलब आम सभा काहे नहीं बोला गया? विकास के जरिया है तो विकास के जरिया कौन पहुंचाएगा? विकास कौन योजना योजना कौन देंगे? वार्ड देंगे कि मुखिया जी अपने से स्वयं ले लेंगे? आम सभा इसी तरह होता है, हंगामे के साथ? हंगामे के साथ नहीं होता है यहाँ का। लोग क्यों कह रहे हैं लोग इस तरह से एक दूसरे के कमियां है, लोगों की कमियां है कि खड़े होकर बात करें, खड़ा एक एक करके बोले, अपना बोलने की सबका अधिकार है आम सभा में। अधिकार है लेकिन इस तरह से अधिकारी के साथ लोग व्यवहार कर रहे हैं? अधिकारी के साथ पूछा जा रहा है, कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है? वो सही किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, लेकिन इस तरह से आप कहीं देखे हैं पूछते हुए? हाँ पूछते वैसे नहीं देखे हैं। आम सभा में एक आदमी खड़ा होकर अपना क्वेश्चन करेंगे, बहिष्कार है या ना? नहीं बहिष्कार नहीं है। ये नहीं इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी बहिष्कार नहीं है। हम लोग क्वेश्चन से संतुष्ट हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो बहिष्कार है। क्या दिक्कत क्या है? परेशानी आप लोग के परेशानियाँ बहुत सारी होगी। जवाब नहीं मिली हम लोग की, जवाब नहीं मिली कि हम लोग का कला चयन जो कर दे रहे हैं वो हम लोग के माध्यम से होगा कि आप अपने माध्यम से करेंगे, इसलिए हम लोग कोई योजना नहीं दे रहे हैं। अपने अपने मन से सब कर रहे हैं योजना ना बता आपके वार्ड में? हम अपने वार्ड में योजना दिए हैं, है ना, जिसमें हमसे नहीं पूछा गया कि कौन योजना हो सकता है या कौन योजना हो सकता है नहीं है, अपने मन से उठा लिया गया योजना। डायरेक्ट काम कर दिया जा रहा है? हाँ काम कर दिया। इसलिए अगर आपके वार्ड में काम हो रहा है तो आप क्यों नहीं मना कर? हमारे वार्ड में भी काम नहीं हुआ, नहीं हुआ है हमारे वार्ड में काम नहीं होती है। आपका क्या नाम है? हाँ मेरा नाम रवि कुमार है, 8 बार से हम आए। दिक्कत क्या है सर? मेरा दिक्कत यही है कि हमारे वार्ड से हम लोग आ रहे हैं, हम लोग अपना योजना दे रहे हैं, हम लोग को ही पता नहीं चल रहा है कि कौन योजना पास हुआ है कौन योजना का काम होगा, हम लोग को ही नहीं पता है। अगर जो कोई भी काम भी लग रहा है ना उसमें वार्ड का थोड़ा सा भी पूछ नहीं रहता है ना अहमियत रहता है कोई भी। अभी आपके वार्ड में कोई काम हुआ कि ना? अभी मेरे वार्ड में एक भी काम नहीं हुआ है, मेरा 1.5 साल मैंने 1 साल से बेसी हो गया काम है वार्ड बनने हुए, मुझे एक काम नहीं मिला है ना एक को कुछ मिला है, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। अभी आपके वार्ड में शायद शौचालय बन रहा है या ना? नहीं शौचालय का मैंने हो रहा है, शौचालय का फॉर्म भरे हैं आपके वार्ड में
कुआं का मरम्मत करने के लिए फंड आया, क्या हो रहा है? नहीं नहीं, हम कुआं के मरम्मत में दिए थे हम योजना में, वो मुखिया जी आज बोल रहे हैं ना कि वो योजना में नहीं है। योजना में मैंने मुखिया जी हमसे पूछेंगे तब ना कि जरूरी कौन सा योजना है पास करेंगे, हमें पूछते नहीं करते, अपने मन से ही लिखाएंगे, अपने मन से काम कराएंगे, और काम कराते हैं तो पूछते भी नहीं है कि कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम करे, कुछ नहीं नहीं वार्ड से नहीं पूछते, कभी कभी नहीं पूछते हैं, अभी अपने मन से काम करते हैं, सभी अपने मन से। आज तक कार्यकारिणी का मीटिंग नहीं हुआ है, 1.5 साल बीत गया ना हम लोग का, हो गया ना कार्यकारिणी का, एक भी मीटिंग नहीं हुआ है कि सारा वार्ड को बैठा कर पूछ लिया जाए कौन योजना किया जाए, कौन योजना कार्यकारिणी हुआ जी, ये भी वार्ड वार्ड है कि अपने मन से। हाँ अपना मन से, अभी आपके अपने वार्ड बोलिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नसीम अंसारी। कहाँ से आप हैं? लोधी 11 नंबर वार्ड। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि मुखिया जी हम लोग योजना यहाँ पे डाल दे रहे हैं आम सभा में, योजना डालने के बाद हम लोगों का वार्ड में काम भी चल रहा है मगर पता नहीं रह रहा है कि मतलब हम लोग कहीं काम कहाँ चल रहा है, कहे से कि हम लोग कार्यकारिणी का मीटिंग नहीं होता है, मुखिया जी नहीं बुलाते हैं, या हमारे वार्ड में भी काम चलेगा तो नहीं खबर होगा कि आपका वार्ड में काम चल रहा है, कुछ नहीं ऐसा कुछ खबर। सब अपना मन से हो रहा है, सब अपने मन से, अधिकारियों से मिली भगत से, एकदम मिली भगत है, ये है इसमें लग ही रहा है कि मिली भगत है, उन्हीं से काम होता है, बाकी और दूसरा कोई वैल्यू नहीं है, चमका के माध्यम। हाँ गाँव में काम हो रहा था, उनका कोई आदमी था वही करवाया है, बाकी वार्ड का कोई नहीं पूछा, वार्ड से मतलब नहीं है। क्या नाम है? श्री भगवान पासवान। परेशानी क्या? परेशानी ये है कि सभी लोग इतना काम चल रहा है, हम लोगों से पूछा नहीं जा रहा है, अपने से काम हो रहा है अपने से। सर आपके आपके वार्ड आपके वार्ड में इन कुआं का मरम्मत किया जा रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना? कुछ ये कुआं का मरम्मत जब हुआ हम मैंने नहीं जाना कि आज काम लगने वाला है, हम लोगों से कुछ पूछा भी नहीं जा रहा है, काम हो रहा है कि काम हो रहा है आपका, आप वहाँ पर बोले? हाँ हम बोले कि ये सब है ना जो उनका जो रखे हुए चमचा सारा वो सब काम करा रहे हैं, हम लोगों का पूछताछ कभी नहीं होगा, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, वार्ड बनने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है हम लोगों का। तो ये जिस तरह से आप ये देख रहे हैं शोरगुल हल्लागुला ये आम सभा में हो रहा है, क्या आप लोग के द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है? हाँ हम लोगों का देखिए जितना ये सब पदाधिकारी लोग हैं सभी लोग का पैसा लिया जा रहा है, इसीलिए ये सब हलाहुजत हो रहा है। ये आम सभा का बहिष्कार करते हैं? नहीं करते हैं। हाँ इस तरह से शोरगुल हो रहा है, आप इसके बारे में? शोरगुल नहीं होना चाहिए, अपना आए और बारी बारी से जो भी कहना है वो बोल ले बारी बारी से। आपका क्या नाम है? हीरा खाली। क्या परेशानी क्या है? परेशानी है ना तो 15,000 ले लो पर साल, मांटू तो मांटू बात कुछ कर दे ना कोई जान पैखाना का आंसू कर ले लो जान 1,000 ले लो भाई ऐसा तो कर कर ही ना। क्या मतलब है कौन ये मांटू? है कौन मांटू? सरदार का लड़का है। करते क्या है ये? कहता राशन कार्ड तो हट जड़वा दे आप पैखाना का निकाल आवा पैसा मांग रहे हैं आप फिर पेंसिल का ले ले बा जा 1,000 में ले ले बा तू। हाँ आपका क्या नाम है? इंदू देवी। इंदू देवी क्या समस्या क्या है? हाँ सर कॉलोनी में हम कहने के हम गरीब बनी हमरे के कॉलोनी मिले के चाहिए, धर्मेंद्र कॉलोन के कॉलोनी में तर नाम बा 5,000 रुपया लगे खखर में हम पैसा दे दी हनी 5,000 ले लन 2,000 और ले लन 7,000 रुपया ले लन आज 5 बजे से 6 बजे के दिन हो गए कॉलोनी हमरा के ना देलन हे 7 तारीख के डलाई हो 7 तारीख के डलाई आज ले डलाते हमरा के 6 महीना ले दिन पे रहता हूँ। धर्मेंद्र क्या है? हरजन। हरजन करते क्या है, उनका क्या काम है? विकास मित्र। विकास मित्र है। हाँ। तो इस तरह से पैसा मांग के लोगों को, यहाँ पर महिला है आप देख सकते हैं किस तरह से महिला जो घर से बाहर नहीं निकलती है लेकिन मजबूरन में घर से बाहर निकल के अपने बातों को रखी और ये बात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पे एक और है, क्या क्या दिक्कत? आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुप्तेश्वर राम है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि 2022 का पूरे आम समाज समाप्त होने वाला है लेकिन आज तक किसी वार्ड में एक वार्ड सभा नहीं हुआ जिसमें कि तमाम जनता को जानकारी मिले कि हम किस लाभ के लिए वार्ड में अपना वार्ड सदस्य को योजना दिए हैं, चाहे गली हो, चाहे अंत्योदय योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये सारी चीजों को जितना कार्यकारिणी के मेंबर हैं, चाहे वार्ड हैं, चाहे मुखिया हैं, सारी बातों को चुरा लेते हैं, आम सभा में चिकन चिकन बात बतियाते हैं और जनता को किसी बात को लालटेन लगा करके अंधा कर देते हैं बिल्कुल, कि जनता को पता न चले कि किसको बहाली हुआ,
आंगनबाड़ी में, किसको सफाई करने में बहाली हुआ, किसको आवास मिला, किसको आवास मिलना चाहिए, ये सारी बातों को वार्ड सभा में कभी वार्ड सभा हुआ ही नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि अगला मतलब जो 3/12/2022 का जो लास्ट आम सभा है वो हमारे विचार से गलत है, ताकि फिर वार्ड सभा करा करके तमाम जनता को लाभ को साथ में जोड़ करके और योजना को चयन करके तब पुनः एक वार्ड सभा कराया जाए कि ताकि तमाम जनता को लाभ मिल सके। जनता में अपनी अपनी समस्या को लेकर के हाला होता ही है, गुप्त रूप में नहीं होता है। हाला जो करते हैं उसको हम शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की हाला नहीं होगा। हम बोले हैं सब लोग बैठ जाएंगे, हम समझौता सब लोगों को समझा देंगे, एक एक विषय पर समझाएंगे। यहाँ लोग कह रहे हैं इंदिरा आवास में पैसा मांगा जा रहा है, शौचालय में पैसा मांगा जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम तो हमेशा जब भी मीटिंग करते हैं तो जनता को साफ स्पष्ट बोलते हैं कि किसी को एक रुपया देने की जरूरत नहीं है। सरकार की जो प्रावधान है, जो नियम है, वह होइबे करेगा। अगर आपका सूची में नाम है तो इंदिरा आवास कोई काट नहीं सकता है, लेकिन लोग जाते हैं कहते हैं कि ना देबू तो तारकर जी, लोग दे देते हैं, देने के बाद हल्ला करते हैं। तो जब इस प्रकार के घटना सामने आती है उभर के, तो जो अधिकारी इसमें शामिल रहते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? शामिल पर जो कार्रवाई करने, जो हमने कहा कि आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, हम अब कार्रवाई कर देते हैं। तब यहाँ पर इंदिरा आवास सहायक है, मैं इनसे बातें करना चाहता हूँ, किस तरह से लोग हल्ला कर रहे हैं, उनसे बातें क्या दिक्कत है सर? इस तरह से लोग इंदिरा आवास में घोटाले के बात लोग कर रहे हैं, पैसा के बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, माने जो भी इस तरह के नाम है, हो सकता है कि दलाल या किसी और भी इस तरह के मांगा जा रहा है, वो लोग से मैं निवेदन करूंगा इस तरह का गलतियां ना करें। दूसरी बात, जो भी उस तरह के आदमी है, आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, आप उन लोगों से जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका नंबर बताइए, उसे हम FIR करेंगे, ठीक है? जो भी हैं उस तरह गलत जो भी कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग पैसा दे दिए हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए बात है, हम लोग पदाधिकारी हैं, हम लोग कभी भी जाते हैं उस तरह गलती हम लोग के सामने कोई नहीं कह पाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? बताए हमारे, हमको कोई कहेगा कि हाँ सर ये आदमी इस तरह की बातें कर रही है, तब ना हम उस पर कार्रवाई करेंगे, बताइए। कितना लोगों को फर्स्ट बार पैसा मिल चुका है और सेकेंड बार पैसा नहीं मिला है? तो जो बनाएगा उसका दिया जाएगा, जो नहीं बनाएगा उसको कैसे मिलेगा? हम तो ग्राम सभा में भी ये बात पारित किए हैं कि जनप्रतिनिधि जितने भी हैं हमको वो लोग सहानुभूति दे, ताकि हम जो भी जो नहीं बना पाए किसी कारणवश से उनको हम बनाए। ये सरकार की योजनाएं हैं, ताकि जल्दी से जल्द पूर्ण कराया जाए, ताकि हमारी इस पंचायत का नाम रोशन हो। यहाँ ये भी सामने आता है, कितना लोग बनाने के बाद अपने बिल्डिंग अपने घर को बना लेते हैं, उसके बाद भी पैसा नहीं मिलता है। ऐसा कोई नहीं है, अगर उस तरह के सूचना है, हम खुद इस पंचायत में एक घर का घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि मैंने इस तरह का बात किया जा रहा है। उप मुखिया के साथ में हूँ, मैं इनसे जानना चाहता हूँ आखिर क्या यहाँ पर आम सभा का हो रहा है, यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे परेशानियाँ देखने को मिला है, क्या दिक्कत है? आपका नाम क्या है? उमर अर्शमानी। यहाँ पर इस तरह से लोग शोरगुल कर रहे हैं, आप क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? देखिए शोरगुल करने से कुछ होगा नहीं, आपने मनमानी से करिएगा। नहीं, मनमानी से नहीं होगा, जनता कर रही है, पैसा मांगा जा रहा है, क्या पैसा जनता देगी? नहीं देगी, वो गलत काम है। क्यों पैसा मांगा जा रहा है? पैसा लेना गलत काम है। हम तो 2016 में थे, हम अपने वार्ड में एक रुपया भी नहीं लिए। आप नहीं लिया, लेकिन आप वर्तमान में उप मुखिया है, उप मुखिया के होने के नाते लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो लोग पैसा मांग रहे हैं, और अधिकार वार्ड का जो है, कोई भी वार्ड को काम दे नहीं रहे हैं, लोग अपने मन से काम करा रहे हैं चमचे के माध्यम से, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे मुखिया जी तो बोले मनरेगा से वार्ड अपना काम करा रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मुखिया जी से आज हम पूछे है इस विषय में। आप उप मुखिया है, आप क्या कहना चाहते हैं? काम मिले, मनरेगा हो जो भी हो, वार्ड को काम मिले। इस तरह से धांधली किया जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? तो गलत काम है, पैसा लेना गलत काम है। क्या जो लोग पैसा मांग रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या आप इस पर क्या आप लोग एक्शन ले रहे हैं? आप एक्शन क्या ले रहे हैं?
हम भी तैयार है, वो पैसा ना ले, एक रुपया पैसा ना ले। और सरकार जब दे रही है, इंदिरा आवास दे रही है, जो भी दे रही है, तो सबको मिलना चाहिए, दोबारा वो आदमी ना ले। आप यहाँ पर अभी देखने का मुखिया जी हैं यहाँ पे? अभी तो थे, हाँ। कहाँ है अभी? अभी थे, अब हालांकि चलते अपना साइड में है। संजय दुबे जी हैं, समाज सेवक हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। क्या यहाँ पर इस तरह से आम सभा में लोग शोरगुल कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो शोरगुल लोग कर रहे हैं बहुत गलत है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मनुष्य को अपने लाइन के रेखा से चलना है, विरोध करना है लेकिन शांति से। विरोध का अधिकार है जनता को, लेकिन शांति से, अशब्द बोलकर नहीं, ये गलत है। लेकिन पैसा मांगा जा रहा है, इसलिए लोग एकदम काफी आक्रोशित हैं। महिला भी हैं, एक ही है, बुजुर्ग भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। नहीं नहीं, भ्रष्टाचार जो है चरम पर है, नीचे से ऊपर तक है, किसको कहा जाएगा। लेकिन तब है कि देने वाला से मरने वाला से मरवाने वाला दोषी है, जो कल से घूस देता है कि हमको गलत तरीका से कॉलोनी मिल जाए, वृद्धा पेंशन मिल जाए, ये सबसे बड़ी गलत है। ATS न्यूज़ में बने रहने के